तो सबसे पहले पढ़ना होता है भाई चार्ज के बारे में, चार्ज क्या है, उसके प्रॉपर्टी। उसके बाद जानने होते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, न्यूटन्स लॉ का भाई कूलम्स लॉ। फिर इसमें पढ़ना होता है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, फर्स्ट वाले चैप्टर में फिर परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम पढ़ेंगे, फिर कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखेंगे, फिर साथ में देखने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद देखेंगे हम लोग फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर लास्ट में देखने हैं हम लोगों को गॉस लॉ, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। इतना पढ़ना है और ये मान के चलो कि ये पूरे ट्वेल्थ क्लास में समझो लार्जेस्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट चैप्टर है। इसमें कम से कम 15-16 क्लासेस लग जाते हैं और एक क्लास डेढ़ घंटे का, तो सोच लो कितने टाइम लगते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक है, इससे लिंक्ड है आगे के आने वाले 7 चैप्टर्स। फर्स्ट 7 चैप्टर जिस तरह से 11th में लिंक्ड थे अप टू रोटेशन, वैसे ही यहाँ पे भी फर्स्ट बुक पूरा तुम्हारा, पूरा बुक 1 जो है अप टू AC, जब इलेक्ट्रिसिटी जानेंगे तब मैग्नेटिज्म जानेंगे तब EMI जानेंगे तब AC पहचानेंगे, ठीक है। तो ये सारे लिंक्ड है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल भी है, इसलिए ध्यान रखना है भाई, जहाँ नहीं समझ में आएगा बताएगा। तो देखो भाई, इंट्रोडक्टरी क्लास लिया है, उसमें चार्ज हम लोगों ने डिस्कस किया था, चार्ज थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं है। अगर किसी का इंट्रोडक्टरी क्लास छूट गया हो तो कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से हम लोग अभी शुरू करेंगे और ये वाला अलग से मैं करा दूंगा, ये ऐसे ही इंट्रोडक्टरी है। चार्ज क्या होता है प्रॉपर्टी, चार्ज स्केलर है, दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव, चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज कंजर्वाइज्ड होता है। तो इसके बारे में अभी जो नहीं किए वो छोड़ देंगे, उससे कोई परेशानी नहीं है, इंट्रोडक्टरी बात है ये चार्ज का, ठीक है। अभी शुरू करेंगे जो मेन है कूलम्स लॉ, और ये सब धीरे धीरे करके देखेंगे। एक दिन संडे बुला के इसको कर दूंगा मैं, जिसके भी छुट्टे होंगे वो कर लेंगे, किसी दिन बुला लेंगे, अभी उसकी कोई अर्जेंसी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके बिना ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा ये, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं आज कूलम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट चैप्टर वीक होने का एक रीज़न है, दो रीज़न है, एक रीज़न है जो आप वेक्टर अगर ठीक से नहीं क्लियर है तो परेशान होंगे इस चैप्टर में, और दूसरा कि अगर आप अलर्ट मोड में क्लास में नहीं रहते हैं, कंसंट्रेशन से काम नहीं करते हैं, रिसीविंग मोड में रहना होता है जब क्रिकेट। कूलम्स लॉ लिखो, कूलम्स लॉ होता है न्यूटन्स लॉ का भाई, कूलम्स लॉ होता है न्यूटन्स लॉ का भाई, ये समझे हम लोग। एक तरफ लिखता हूं मैं न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब लोग जानते हैं भाई, और एक तरफ है ये कूलम्स लॉ, तो इसलिए दोनों को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कूलम्स लॉ पढ़ना तो है हम लोगों को, लेकिन इसका हम लोग कंपैरिजन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता था, याद होगा, एक M1 मास, दूसरा क्या है भाई, तो M2 मास, दोनों में है कुछ सेपरेशन R, तो इस पर फोर्स लगता था, हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था, वो क्या लगता था भाई, जी बोलो, M1 M2 upon R2, ये होता था, और ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता था, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है भाई। अब इस के एनालॉगी में, इसका सिमिलरिटी में, यहाँ पे अब कूलम्स लॉ होगा, वो होगा फोर्स बिटवीन टू चार्ज। देखो भाई, इतना तो सब जानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्शन, दैट इज अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, लाइक चार्जेज रिपेल, ये फंडामेंटल जो बात है वो तो है, बाकी तो चार्ज में हम लोग पढ़ते हैं तो संडे वाले दिन करेंगे हम लोग। फिलहाल ये है कि हम लोग जब ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, दो चार्ज हैं, तो ये रिपल्सिव भी हो सकता है
अगर सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, तो रिपल्सिव भी हो सकता है, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इन दोनों का साइन क्या है और इनका मैग्नीट्यूड से हम लोग मैग्नीट्यूड भी लिख पाएंगे। फोर्स बिटवीन टू चार्ज जो लिखते हैं हम लोग, वो होता है मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाई सेपरेशन स्क्वायर। यहाँ भी होता था प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस डिवाइडेड बाई सेपरेशन स्क्वायर। ये होता था एक कॉन्स्टेंट कॉल्ड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये होता था। यहाँ पे भी होगा ये केडेस एक कॉन्स्टेंट, डेट इज मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट कैसा है? मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट। ये आप लिख लेंगे भाई, केडेस जो होता है, केडेस बोलें कुछ बुक में आपको खाली के मिलेगा, लेकिन ये है मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट। ये लिख लेंगे भाई, मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट का वैल्यू जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है। एयर है तो कुछ और, वैक्यूम है तो कुछ और, वाटर है तो कुछ और। मतलब वाटर में अगर चार्ज रखें, ये जो मीडियम है, जिस मीडियम में ये दो चार्ज रखे हुए हैं, ये अगर वाटर है तो कुछ और वैल्यू हो जाएगा केडेस का, एयर है तो कुछ और। ठीक है, हर मीडियम के लिए अलग अलग, इसलिए इसका नाम रखा गया मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट। क्या बोला गया इसको? मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट। चलो भाई, ये मीडियम का कौन से बात पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है मीडियम के परमिटिविटी पे। तो अभी एक मैंने टॉपिक डाला था ना, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, तो उस दिन वो क्लियर होगा। परमिटिविटी में पूरा एक क्लास लगेगा, ठीक है। तो ये मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है, और ये डिपेंड करता है भाई, डिपेंड्स ऑन लिखोगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रखा है उसका परमिटिविटी पे ये डिपेंड करेगा। ये हम लोग डिफरेंट क्लास में डिस्कस करेंगे। बोलो बोलो बोलो, डाउट बोलो। Q1 Q2 चार्ज है, एक का Q1 मान लो 2 कूलम का चार्ज है, ऐसा यूनिट कूलम होता है चार्ज का, 2 कूलम का चार्ज है, इधर -3 कूलम का चार्ज है। तो भैया Q1 का वैल्यू लिखने होंगे, Q2 का वैल्यू लिखने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करोगे, इससे फोर्स मिलेगा। साइन देख के पता लगाएंगे कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव। साइन देख के पता लगाएंगे क्या अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव। अगर सेम साइन है दोनों के तो रिपल्सिव, अपोजिट साइन है तो अट्रैक्टिव, बट वैल्यू होगा इतना ही। ठीक है भाई, सब लोग ध्यान देंगे, मेरी नज़र सब पे रहती है। बहुत ज़्यादा बच्चे होने नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक बैच में नहीं होने हैं भाई, सब पे नज़र रहेगा। इंडिविजुअल अटेंशन, आपको भी इंडिविजुअली अटेंशन रखने हैं। जहाँ भी डाउट होगा हाथ उठाओगे, पूछोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन दोनों फोर्स में सिमिलरिटी तो लग रहा है भाई, ये कॉन्स्टेंट कैसा है जी भाई? तो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। याद होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसका मीनिंग भी समझना है भाई। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बोलने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्सल वाइज पूरे यूनिवर्स के लिए एक है कॉन्स्टेंट। ये इसका मतलब यहाँ पे ये है कि चाहे ये M1 M2 एयर में रखा हो, वैक्यूम में रखा हो, दोनों के बीच में स्टील आ गया हो, दोनों के बीच में वाटर आ गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट ये नहीं है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है 6.67 × 10⁻¹¹। याद होगा SI में कितना भाई? तो यूनिट होता था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेपरेशन क्या है? मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर। तो ये SI यूनिट होता था, ये फिक्स्ड है, इसको किसी से मतलब नहीं। बस M1 M2 का वैल्यू क्या है, सेपरेशन क्या है, बस इतना ही से मतलब है फोर्स को। पर जी फिक्स्ड, ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। इसलिए इस लॉ का एक और नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही है ये। कहीं भी दो मास होंगे, चाहे वो एप्पल और अर्थ हो, या एप्पल और मून हो, या अर्थ और मून हो, सन और अर्थ हो, कुछ भी हो, या पेन और पेंसिल हो, पेन और बोर्ड हो, सब के लिए यही है कॉन्स्टेंट। बोलो सर, इफ Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा साइन को? ये फोर्स का वैल्यू लिखा है मैंने, फोर्स का वैल्यू लिखा है, दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
दोनों सेम साइन के होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अभी ये लिख रहे हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फोर्स, ज़्यादा बोलोगे तो ऐसा कर दूंगा मैं, मॉड ऑफ द फोर्स, ठीक है, सिर्फ वैल्यू ऑफ द फोर्स लिख रहे हैं। उसका तो फिक्स होता है भाई, वैल्यू इतना ही होना है और अट्रैक्टिव ही होना है। यहाँ पे वैल्यू तो ये होना है बट अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों के साइन पे, ठीक है। डिफरेंट साइन तो अट्रैक्टिव, सेम साइन तो रिपल्सिव, ठीक है भाई। ये मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट, ये है इनडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इसका वैल्यू जो है वो इनडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। चलो अब इन दोनों में हमें सिमिलरिटी कुछ दिख रहा है, कुछ डिफरेंस भी दिख रहा होगा भाई, तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझे भाई कि कूलम्स लॉ में पढ़ना क्या क्या है। कूलम्स लॉ अकेले कम से कम 3 to 4 क्लासेस लगाएगा। ऐसे ख़त्म करने को तो आधे घंटे में ख़त्म किया जा सकता है, स्कूल में हो सकता है आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप अच्छे से समझना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल में आप कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं तो 3-4 क्लास लगाने पड़ते हैं। कैसे कैसे लगेंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी। देखो हम लोग बात करें सिर्फ कूलम्स लॉ की, इसको लिखना मत, सिर्फ कूलम्स लॉ की बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने एक्सप्रेशन लिखा तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि अच्छा इनमें कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है, कुछ डिफरेंस भी दिख रहा है, तो भैया इसको पढ़ ही लो, एक कंपैरिजन देखें क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे। ये एक एस्पेक्ट हुआ, आधे घंटे टाइम लगते हैं इसमें, कंपेयर करेंगे दोनों को। और क्या भाई, तो कूलम्स लॉ का वैलिडिटी कंडीशन देखते हैं, कब ये लॉ वैलिड है, कब हम लोग ये फोर्स ऐसे लिख सकते हैं मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कब कब ये फोर्स करेक्ट देगा, मींस वैलिडिटी कंडीशन क्या है इस फार्मूला का। हर फार्मूला का वैलिडिटी कंडीशन जानना चाहिए कि कब अप्लाई करने हैं कब नहीं करने हैं, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। और समझने हैं कूलम्स लॉ को वैक्टर फॉर्म में, कूलम्स लॉ को वैक्टर फॉर्म में समझने हैं, लिखने रिप्रेजेंट करना पता होना चाहिए। और क्या भाई, तो एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो 11th में तुमने पढ़ा था SHM वेव में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वैसे ही इधर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझने हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझने हैं एंड इट्स यूज विद कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे यूज होगा, और इसमें जानने हैं बात कि भैया ये K-डैश क्या है, मतलब परमिटिविटी क्या होता है मीडियम का, परमिटिविटी का क्या मतलब है, दैट इज K-डैश जो इस फॉर्मूला में जो K-डैश आ रहा है मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट वो क्या है, समझ गए। इतनी बात जब पढ़ लेंगे तब समझेंगे कि कूलम्स लॉ फिनिश हुआ, और जिसमें ये लगेगा 30 मिनट्स आधे घंटे, इसमें भी लगेगा 30 मिनट्स भाई, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इसमें लगेगा 1 आवर, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी 2-3 देखने पड़ेंगे भाई, और इसमें लगेगा 3 आवर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है और वेक्टर का यूज़ भी होने हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये सारे जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो होते हैं वो इस पे होते हैं और गॉस लॉ पे होते हैं, तो कूलम्स लॉ में न्यूमेरिकल पार्ट यहीं आएगा, तो उसको डिस्क्राइब करना और वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल भी देखना ज़रूरी है। तो इतना जब होगा तो इसमें तो भैया 3-4 क्लास लग जाएंगे फाइनली। चले आगे बढ़े हम लोग, तो सबसे पहले क्या करें, स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग से, कंपेयर करते हैं और आज हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखते हैं, ठीक है। इतना काम करें कम से कम, जहां ज़रूरत होगी 11th क्लास के बैकअप की वहां हम लोग थोड़ा सा बैकअप साइड में दे दिया करेंगे, ताकि आपका अगर वीक रह गया हो या कुछ भूल गए हो तो उसको आप रिकैप कर लें, उसका हमें खामियाजाना यहाँ नहीं भुगतना पड़े। तो चलो भाई सबसे पहले कंपैरिजन पे बात करेंगे, तो इसको हटा दो, ये दोनों हैं। अब हम लोग कंपैरिजन का पॉइंट अगर देखें, कंपैरिजन का पॉइंट देखें, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। तो चलो भाई पहले सिमिलरिटी देखते हैं, तो आप बताओ दोनों में क्या सिमिलरिटी दिख रहा है आपको, बोलो भाई सिमिलरिटी देखें फिर डिफरेंस देखेंगे, बोलो भाई सिमिलरिटी में क्या दिख रहा है तुम्हें। सिमिलरिटी में नंबर वन सिमिलरिटी, दोनों
दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, दोनों क्या है भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, कैसे, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों है भाई, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्यों, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ाएंगे फोर्स हमारा डिक्रीज होगा और स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, ये आप लिख लो भाई, सिमिलरिटी टॉपिक डाल करके दो कॉलम बनाओ और लिखो, ये भी है इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि ये भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। ठीक है भाई, इस तरफ हमारा कूलम्स लॉ है, उधर हमारा न्यूटन्स लॉ है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग और सिमिलरिटी की बात करें हम लोग। इधर हम लोगों का कूलम्स लॉ है, याद होगा फोर्स इज इक्वल टू के डैश और Q1 Q2, Q1 का वैल्यू Q2 का वैल्यू आर स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अच्छा भाई, और सिमिलरिटी क्या है, तो भाई ये भी समझो, और सिमिलरिटी कुछ नज़र आया तुम्हें, बोलो भाई, फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और फोर्स के डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है क्या, दोनों का दोनों कांस्टेंट है, बट दोनों कांस्टेंट में डिफरेंस है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हमारा मीडियम डिपेंडेंट, तो वो डिफरेंस में वो पॉइंट लाएंगे, वो हम लोग डिफरेंस में पॉइंट लाएंगे। यहाँ पे देखो, दोनों सेंट्रल फोर्स होते हैं, दोनों सेंट्रल फोर्स हैं, बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेज एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का दोनों सेंट्रल फोर्स है, बिल्कुल आप लॉजिकली सोचते चलें। सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं भाई, इसको समझा जाए, सेंट्रल फोर्स इसलिए बोलते हैं दोनों को, क्योंकि ये है M1, ये है मान लो M2, ध्यान देना भाई समझने की बात, M1 है M2 है, M1 का सेंटर M2 का सेंटर दोनों ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग ही ये फोर्स काम करता है, सेंटर ऑफ M1 सेंटर ऑफ M2 सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग ही फोर्स काम करता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, मीन्स सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, इससे इधर से लगेगा इसके सेंटर की तरफ, इधर से लगेगा इसके सेंटर की तरफ, सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन उसी के अलोंग लगेगा ये फोर्स, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स है। सिमिलरली यहाँ पे मान लो Q1 चार्ज है या Q2 चार्ज है, Q2 का सेंटर और Q1 का सेंटर इन्हीं दोनों लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा तब भी और रिपल्सिव हो तब भी, ये अगर येलो वाला लगेगा मीन्स रिपेल करेगा तो ये भी येलो वाला मतलब रिपेल करेगा, और ये अगर व्हाइट वाला अट्रैक्ट करेगा तो समझो ये भी व्हाइट वाला लगाएगा अट्रैक्ट करेगा, जो भी होगा वो क्या होगा भाई, तो सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होगा, इसलिए दोनों सेंट्रल फोर्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई, तुम भी लिख सकते हो, सेंट्रल फोर्स जहाँ लिखा वहाँ लिखोगे सेंट्रल फोर्स बोथ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू मासेस ऑब्लिक चार्जेज, दोनों के लिए बोल रहे हैं भाई, तो ग्रेविटेशनल ऑब्वियस है कि दो मास के बीच में और इलेक्ट्रिक होगा दो चार्ज के बीच में, बोथ एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू मासेस और टू चार्जेज, तो ये सेकेंड नंबर पॉइंट देखा भाई सिमिलरिटी का। और क्या सिमिलरिटी है भाई, तो और भी एक सिमिलरिटी है वो समझे हम लोग, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ था ये देखा, दोनों सेंट्रल फोर्स है ये देखा, और अब देखने हैं कि भैया और क्या है सिमिलरिटी, तो और भी सिमिलरिटी है वो क्या है वो देखा जाए। तो देखो भाई, और सिमिलरिटी ये है, बताओ भाई और कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है, दोनों सेंट्रल फोर्स हैं, नाम सुना होगा
फोर्स और वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था कि टू टाइप के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन डिसिपेट हो जाता है, स्टोर करके नहीं रख सकते, कंजर्व करके नहीं रख सकते, इसलिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, विस्कस पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, क्यों? नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है, क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव और इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, तो दोनों कंजर्वेटिव है भाई, तो ये भी इन दोनों फोर्स का सिमिलरिटी होगा। यहाँ लिखूंगा बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव। क्यों भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोला? आप बताओ कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, याद है कुछ कि भूल गए? मेथड बताया था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तीन मेथड चलते हैं। एक तो ये जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, उसके लिए ये फेमस होता है भाई, ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व करके रख सकें, नंबर वन डेफिनेशन, ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर करके रख सकें, ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अगर हमने ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट मोबाइल को उठाया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमारा वर्क डन स्टोर हो गया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी MGH किया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना वर्क किया हमने MGH किया, ये MGH स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। तो एक तो ये हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स को कंजर्वेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर करके रख सकें, कंजर्व करके रख सकें, तो एक ये डेफिनेशन बना। जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर करके नहीं रख सकते, तो वो क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव हो गया, ठीक है, नंबर वन ये बात है, याद दिला रहा हूँ बस। दूसरा डेफिनेशन जो ज़्यादा फेमस है वो क्या है भाई, ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट या जिसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो। ये भी सुना होगा तुमने, जब हमारा वर्क डन बाय ए फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट हो, इनिशियल पोजीशन क्या, फाइनल पोजीशन क्या, सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट हो, पाथ डिपेंडेंट ना हो, तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब MG को उठा के यहाँ से हम लोगों ने, मास को उठा के यहाँ से यहाँ ले गए, इस पाथ से ले जाएं तब भी MGH वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ऐसे ले जाएं तब भी MGH ही है, ऐसे ले जाएं तब भी MGH ही है, इनिशियल क्या है फाइनल क्या है सिर्फ इस पे डिपेंड करता है वर्क डन, पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करता हो, तो ऐसा फोर्स भी कंजर्वेटिव बोला जाता है। बोलो भाई, ये भी सुना है तुमने। तो दोनों के साथ ये हाल है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन या इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन दोनों कंजर्वेटिव है और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यही होता है, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन डिपेंडेंट, ठीक है, एक तो ये आप सब याद रखते हैं। तीसरा भी है डेफिनेशन कि ऐसा फोर्स जिसका राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो हो उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ऐसा फोर्स जिसका राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो हो, क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जिस तरह से कि मान लो यहाँ से उठाया ब्लॉक को, यहाँ ले गए, MGH वर्क हुआ, यहाँ जीरो वर्क हुआ, यहाँ माइनस MGH वर्क हुआ, फिर जीरो हुआ, टोटल वर्क डन राउंड ट्रिप में जीरो हो जाए तो वो भी कंजर्वेटिव है। तीन तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स को, ठीक है, ऐसा फोर्स जिसका अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर करके रख सकें वो कंजर्वेटिव, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो वो कंजर्वेटिव, सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट हो, पाथ से इंडिपेंडेंट हो, वो भी कंजर्वेटिव, और जिसका राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो हो। अब मान लो फ्रिक्शन का हम लोग देखें, एक चेयर उठाया, इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, वापस ले आया यहीं पर, राउंड ट्रिप हो गया, क्या वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट जीरो हुआ? यहाँ से यहाँ ले गए 20 जूल वर्क किए, यहाँ से यहाँ ले गए 30 जूल वर्क किए, 10 जूल और वर्क किए, 5 जूल और वर्क किए, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? हमेशा तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव रहेगा और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो भैया खाली पॉजिटिव 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 या खाली नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव? ग्रेविटी वाले में क्या होता है, MGH वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो वापसी में वर्क डन नेगेटिव हो गया, तो जीरो हो गया टोटल।
लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट ऐसा नहीं होता, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ऐसा नहीं होता। तो चलो भाई, कंजर्वेटिव का आपको मीनिंग समझ में आ गया, याद आ गया मीनिंग, लेकिन अभी के लिए आपको रिजल्ट ये समझना है कि दोनों ही फोर्स क्या है भाई, तो कंजर्वेटिव हैं। और जो फोर्स कंजर्वेटिव होता है उनके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर होता है, इसलिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज, लिख देते हैं यही शॉर्टकट में, बिकॉज राउंड ट्रिप में वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, जीरो, एक लिख देता हूँ, ठीक है। एंड हेंस हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या ऐसे लिख दें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी छोड़ो, बोथ आर कंजर्वेटिव एंड हेंस वर्क डन, लिखो भाई, हेंस वर्क डन अगेंस्ट सच फोर्स आर स्टोर्ड, मतलब यहां पे है कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक का होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा का होगा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जहां नहीं समझ में आएगा भाई बता देना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों कंजर्वेटिव हैं इसलिए भाई पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट करेगा। थर्ड नंबर सिमिलैरिटी देख लीजिए, क्लियर है यहाँ तक। और एक और सिमिलैरिटी देख लो, क्योंकि ये वन मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक और सिमिलैरिटी है, वो क्या, तो दोनों वैलिड हैं, वो तो वैलिडिटी जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, फिलहाल के लिए ये है कि दोनों जो होते हैं वो पॉइंट मास या स्फेरिकल मास के लिए वैलिड हैं। Both are valid for point mass oblique charge, means gravitational point mass के लिए और electric point charge के लिए, and spherical mass oblique charge। अब ये क्या होता है पॉइंट मास पॉइंट चार्ज, इस डिटेल विल बी डिस्कस, ये हम लोग इसका डिटेल डिस्कस करेंगे किसमें भाई, विद वैलिडिटी कंडीशन। जब हम लोग इसका वैलिडिटी कंडीशन को डिस्कस करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग जानेंगे भाई कि पॉइंट चार्ज पॉइंट मास क्या होता है और स्फेरिकल के लिए ये क्यों वैलिड है वो समझ में आ जाएगा। फिलहाल वैलिडिटी के मामले में दोनों में सिमिलरिटी हैं, दोनों पॉइंट मास के लिए या स्फेरिकल मास के लिए। तुमने कभी भी पढ़ा होगा अगर 11th में, तो एक अगर रॉड है, मान लो एक रॉड है M1 मास का और एक छोटा सा ये मास है M2 मास का, इन दोनों में अगर फोर्स लिखना हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लिख पाओगे। एक रॉड हो और एक छोटा सा मास हो, क्रिकेट बॉल, एक बैट है एक बॉल है, दोनों पास पास रखे हुए हैं, इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए G m1 m2 upon r² नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मास नहीं है। एक बड़ा सा रॉड हो जाए यहाँ पे और एक और यहाँ पे रॉड हो जाए, इसके लिए G m1 m2 upon r² नहीं लिख पाएंगे। जब वैलिडिटी कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं मास का भी बताऊंगा और चार्ज का भी बताऊंगा कि क्या होता है वैलिडिटी कंडीशन। थ्री होते हैं, उनमें से एक ये है कि पॉइंट मास और स्फेरिकल मास के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज के लिए वैलिड है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो सिमिलरिटी के पॉइंट लिख रहा हूँ इसलिए एक साथ लिख दिया, बाकी डिटेल इसका तो वैलिडिटी के टाइम में डिस्कस करेंगे। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग कौन सा पॉइंट भाई, तो अब देखेंगे हम लोग डिफरेंस का पॉइंट। तो भाई अब तो क्लियर है डिफरेंस का पॉइंट लिखा जाए, चलो भाई लिखो। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस एक तरफ लिखेंगे अगेन
कूलम्स लो, और ये न्यूटन्स लो। चलो भाई अब जरा कुछ डिफरेंस का पॉइंट ऑब्वियस होगा वो बताओ। एक तो कांस्टेंट का चक्कर, तो कूलम्स लॉ में जो होता था मीडियम डिपेंडेंस कांस्टेंट के डैश और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये सब तो ठीक है, बट ये के डैश हमारा होता था मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। अच्छा भाई तो ये है मीडियम डिपेंडेंट, वैल्यू इज मीडियम डिपेंडेंट, और यहाँ पे जी है वो मीडियम इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। इसको लिख देंगे, लिखो भाई मीडियम इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, मीडियम से इंडिपेंडेंट रहेगा भाई इस कांस्टेंट का वैल्यू। फिक्स्ड है ये वैल्यू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तो होता ही है भाई, सब कोई जानते हैं पहचानते हैं। चलो ठीक है जी, ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, ये जो केडेस है, अगर इसका थोड़ा सा मैं आगे बात बढ़ाऊँ तो ये है 1/4 pi epsilon 1/4 pi epsilon, ये कौन सा टाइम है भाई, तो बीच में टपक जाता है, 5 बजे का टाइम है ना। अरे नहीं भाई, तो टाइम टेबल पता नहीं कौन सा फॉलो कर देता है, 5 बजे से होता है, 5:30 का नहीं है, 5 बजे से, तो गड़बड़ कर देता है। देखो भाई कूलम्स लॉ जिसमें कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज बोलते हैं भाई, फोर्स बिटवीन टू चार्ज वो क्या होता है, के डैश क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। भाई लेट से आने वाले सुनो ध्यान से, दो चार्ज अगर रखे हुए हैं क्यू वन और क्यू टू आर सेपरेशन पे, तो इनमें फोर्स लगेगा मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। ये मीडियम डिपेंडेंट कौन से मीडियम में रखा गया, एयर में कि वाटर में या अल्कोहल में, कहाँ रखा गया उस पर डिपेंड करता है केडेस का वैल्यू। न्यूटन्स लॉ में तो भाई न्यूटन्स लॉ में जो हम लोग लिखते थे फोर्स, वो लिखते थे जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा इधर बैठ जा भाई, नहीं दिखता है, अच्छा ठीक है चल। तो ये समझ गए भाई नंबर वन डिफरेंस हम लोग समझ रहे हैं कि कूलम्स लॉ जो फोर्स बिटवीन टू चार्ज बताता है, ध्यान देना भाई कूलम्स लॉ जो फोर्स बिटवीन टू चार्ज बताता है वो हमारा के डैश जो मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है 1/4 pi epsilon, और ये एप्साइलन क्या है, ये एप्साइलन सिंबल का नाम है भाई, सिंबल का नाम है एप्साइलन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिप्रेजेंट्स क्या, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस भी मीडियम में रखा गया है उसका परमिटिविटी पे ये डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग परमिटिविटी तो भैया सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये के डैश। चलो नंबर वन डिफरेंस तो ये हो गया, अब जरा बात करें हम लोग दूसरा डिफरेंस क्या है भाई, और कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है तो वो बताओ। देखो भाई तो डिफरेंस का ये सेकंड नंबर पॉइंट देखा जाए, डिफरेंस का अब सेकंड नंबर पॉइंट देखें तो और क्या है डिफरेंस, तो एक तो आपको पहले से समझ में आया क्या भाई, क्या है हाँ वो तो खैर है कि वन क्यू टू इधर एम वन एम टू करना है, वो तो है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको हाईलाइट ना किया जाए हम लोग। ये तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि ये हमारा दोनों तरह का फोर्स होता है, बोथ अट्रैक्टिव एंड बोलो रिपल्सिव, दोनों हो सकता है। ये क्या हो सकता है भाई, ये ओनली अट्रैक्टिव है। और एक डिफरेंस है भाई, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स, दुनिया में सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को माना जाता है। चार फोर्स होते हैं ना भाई, फोर टाइप के फोर्स होते हैं, सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स भी आता है, उसके बाद होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्सेस इसको बोलते हैं, और तब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट एमंग ऑल द फोर्सेस इन नेचर, ठीक है, वीकेस्ट फोर्स होता। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है,
और एक और हम लोग नाम पे इसका कर सकते हैं डिफरेंस, वो क्या है भाई, तो वो ये है कि इधर वाले को हम लोग बोल सकते हैं कि ये है यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि इसमें मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, ये फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये, और ये यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे भाई, नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, कोई यूनिवर्सल लॉ ये नहीं है, बिकॉज इट्स वैल्यू, यानी कि फोर्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है, 5 बजे से केडेस वाला बात बताया मैंने, केडेस तुम लेट आया ना इसलिए चक्कर हो गया ये, केडेस वाला यही है कि केडेस हमारा मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है भाई, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मीडियम चेंज तो ये चेंज, अब केडेस का तो पूरा एक क्लास ही लगेगा केडेस के बारे में जानने में, तो इसलिए उसको तो अलग ही रखने हैं अभी के लिए, तो भाई जब पॉइंट खाली दिखा रहे हैं तो पॉइंट को हम लोग ध्यान रखें, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, तो ये 2-3 डिफरेंस के पॉइंट और 2-3 जो सिमिलरिटी के पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, 4-4 पॉइंट हैं ये ध्यान रखना है, अगर से अलग से आ जाए सब्जेक्टिव में तो वो भी आपको करना पड़ेगा वाला पॉइंट हो गया, कंपेयर कर लिया, एक और अब टॉपिक हम लोग छोटा सा कूलम्स लॉ का पकड़ लेते हैं, चाहे तो हम लोग वेक्टर फॉर्म पकड़ें या तो वैलिडिटी कंडीशन ही पकड़ लें, चलो वैलिडिटी कंडीशन वाला ही पकड़ लेते हैं, वो भी आधे घंटे का टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वेक्टर वाला आप थोड़ा रिवाइज करके आओगे, वेक्टर वाला हम लोग अगली क्लास से देखेंगे, चलो वैलिडिटी वाला हम लोग पॉइंट पकड़ेंगे, तो इसमें ये भी क्लियर हो जाएगा भाई कि पॉइंट चार्ज पॉइंट मास क्या है, ठीक है इसी से रिलेटेड ही है, तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, यस आगे बढ़ें, चलो भाई तो ठीक है नेक्स्ट पेज पे चलें, लिखो वैलिडिटी कंडीशन, वैलिडिटी कंडीशन ऑफ अ कूलम्स लॉ, वैलिडिटी कंडीशन ऑफ कूलम्स लॉ देखा जाए, देखो भाई इसके 3 वैलिडिटी कंडीशन हैं, वैसे जनरली स्कूल में चाहे कई टीचर 2 ही पे बात करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसके कुछ बुक में 3 मिलते हैं, मैं तीनों बता रहा हूँ आपको, नंबर 1 लिखेंगे कूलम्स लॉ का वैलिडिटी कंडीशन, कूलम्स लॉ का मतलब है 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो कि मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ये कब कब वैलिड होगा इसकी बात हो रही है, तो इट इज़ वैलिड फॉर, लिख लो भाई पहले समझते हैं फिर, इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल चार्जेस, पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल चार्जेस के लिए ये वैलिड हैं, लोग देखने जा रहे हैं वैलिडिटी कंडीशन, तो वैलिडिटी कंडीशन में 1 कंडीशन, इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल चार्जेस, अब इसका मीनिंग समझे, पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे, स्फेरिकल किसको बोलेंगे, तभी तो हम लोग क्लियर हो पाएगा, बोलो ठीक है यहाँ तक, पॉइंट चार्ज किसको बनते हैं, तो भाई
किसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज, तो बोलो कि किसको बोलेंगे पॉइंट मास। आप बताओ पॉइंट मास किसको बोलेंगे, पॉइंट मास किसको बोलेंगे? स्मॉल मास हो जाए। नहीं, नेग्लिजिबल मास वो सब चीज़ मत समझो, पार्टिकल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट मास किसको बोलेंगे? तो ज़रा इस चीज़ को ध्यान से समझा जाए, ये आ सकता है स्कूल में भी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, क्या समझते हैं इससे भाई? तो ज़रा देखो, अगर मैं बोलूँ कि बोर्ड पे चार्ज स्प्रे कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स स्प्रे कर दिया बोर्ड पे, तो बोर्ड पर का चार्ज हो गया एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोर्ड पे, तो क्या ये बोर्ड का चार्ज, क्या ये बोर्ड का चार्ज पॉइंट चार्ज है, या ये बोर्ड का मास जो यहाँ है थोड़ा यहाँ है मास, थोड़ा यहाँ है, यहाँ है, सब जगह मास है भाई, इतने जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, तो क्या ये मास पॉइंट मास है? बोलो क्या ये पॉइंट मास होगा? तो भाई ये पॉइंट मास खाली मास देख करके नहीं बता सकते, पॉइंट मास का मतलब होता है कि जिस मास या जिस बॉडी की बात कर रहे हो उस बॉडी का साइज वेरी वेरी स्मॉल हो कंपेयर टू सेपरेशन, जहाँ पे इसका इफेक्ट, जहाँ पे इसका इफेक्ट काउंट करना चाह रहे हो। मतलब ये है कि अगर ये मान लो बोर्ड है, ध्यान देना ये बोर्ड है, इस पे चार्ज क्यू वन है, इस पे चार्ज क्यू वन है, अब ये यहाँ पे देखें दूसरा चार्ज क्यू टू, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है इसके लिए, ये वाला बोर्ड पर का चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है इस चार्ज के लिए। लेकिन यही अगर मान लो हम लोग इस चार्ज का इफेक्ट, इस चार्ज का फोर्स देखना चाहते हैं यहाँ पे, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसको भी और लार्ज डिस्टेंस लेकर चले जाएं, तो उस कंडीशन में इस वाले पॉइंट पे, अगर इस वाले पॉइंट पे उसका इफेक्ट काउंट करना चाहते हैं, तो डैट कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज और पॉइंट मास। मतलब समझो, अगर एरोप्लेन में जा रहे हों तो कुतुब मीनार क्या दिखेगा? पॉइंट मास। कार क्या दिखेंगे? पॉइंट मास। कोई जा रहा है उसका खोपड़ी क्या दिखेगा? पॉइंट मास। 80 केजी का बंदा जा रहा है, पॉइंट मास। एरोप्लेन से देख रहे हैं कुतुब मीनार भी है, पॉइंट मास। यहाँ छत पे चढ़ करके कुतुब मीनार अगर दिख जाए तो क्या है? पॉइंट मास। लेकिन कुतुब मीनार जहाँ हो वहाँ चले गए और कुतुब मीनार को देख रहे हैं, ऐसे देखा, ये तो बहुत बड़ा है भाई, तो उस कंडीशन में वो पॉइंट मास नहीं है। उसके पास जाके देख रहे हैं तो भैया यहाँ से इसका एक्सटेंशन, अरे ये तो बहुत हाइट तक है भाई, तो उस कंडीशन में इसको इन्फिनेटली लार्ज मास बोल सकते हैं, इन्फिनेटली लार्ज साइज का मास। जब बिल्कुल पास में चले गए तो इन्फिनेटली लार्ज हो गया, बिल्कुल ये है समझो कुतुब मीनार, और यहाँ से देख रहे हैं भाई, यहाँ से देख रहे हो, तो देखोगे इधर वाला एंड देखने के लिए तुम्हें नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, इधर वाला एंड के देखने के लिए यहाँ से यहाँ तक का विजन देखोगे, ऐसे घुमाओगे तब जाके पूरा दिखेगा, तो इसके लिए बन जाएगा इन्फिनेटली लार्ज मास। लेकिन यही अगर यहाँ से 10 किलोमीटर अवे चले जाओ, चलो भाई यहाँ है, यहाँ पे एक पेन है, और तुम चले जाओ भाई कहाँ, तो सीपी में चले जाओ और सीपी से इस पेन को देखो, सीपी पे इसका पेन का इफेक्ट देखना चाहोगे तो दिस विल बी ट्रीटेड पॉइंट मास, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो ये पॉइंट मास नहीं है। तो कोई बॉडी अपने आप में पॉइंट मास नहीं होता जब तक ये ना पता हो कि इसका इफेक्ट हम लोग कहाँ देखना चाहते हैं। अगर साइज के रिस्पेक्ट में सेपरेशन वेरी वेरी लार्ज है, साइज ऑफ द मास या चार्ज के रिस्पेक्ट में सेपरेशन वेरी लार्ज है, तो वो पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज समझा जाएगा। और अगर साइज के रिस्पेक्ट में सेपरेशन वेरी स्मॉल है तो ये वेरी लार्ज होगा, ये पॉइंट मास नहीं बनेगा। एक बिल्डिंग भी पॉइंट मास हो सकता है, कुतुब मीनार भी पॉइंट मास हो सकता है, पॉइंट चार्ज, कुतुब मीनार पे स्प्रे कर दो पूरा चार्ज और वो पॉइंट चार्ज बन सकता है। एक कुतुब मीनार का चार्ज और इधर हमारा रोहिणी कोट का उस पर भी चार्ज, इन दोनों में फोर्स निकालना होगा, ये वाला फोर्स लिख सकेंगे। कुतुब मीनार पे चार्ज स्प्रे कर दिया, ठीक है, और क्राउन प्लाजा में भी चार्ज स्प्रे कर दिया, इन दोनों में फोर्स निकालना हो इलेक्ट्रिक, ये फोर्स लगा सकते हैं।
लेकिन आप कुतुब मीनार के बगल में चले गए और बोलेंगे भैया इस पर मेरा वाला चार्ज और इस पर फोर्स निकालें, तो इसके लिए आप ये नहीं लिख पाएंगे। पॉइंट चार्ज का मतलब यही होता है, मैं लिखवा देता हूँ इसका डेफिनेशन, मीनिंग तो समझ में आ गया। एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज और पॉइंट मास इफ द सेपरेशन इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्ज और मास। ठीक है, यह डेफिनेशन बनेगा। और जब भी पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज होगा तो ये फॉर्मूलाज अप्लीकेबल हो जाएंगे, तो वैलिड है ये। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लिखो भाई, इसी में एनी चार्ज और मास, मास का भी साथ ही साथ बताता चल रहा।